हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बम्बोला एकेडमी। आई एम दीपक सैनी, फिजिक्स फैकल्टी, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज द लेक्चर नंबर 6। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द गॉसेस लॉ। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस हाउ टू फाइंड द नेट फ्लक्स, एंड ऑल्सो वी हैव सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल टू फाइंड आउट द फ्लक्स। ओके, जो पिछले लेक्चर में आपने फ्लक्स निकालना सीखा है, और सबसे एंड में मैंने आपको ध्यान होगा तो बताया था कि फ्लक्स पासिंग कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस, हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था। उसी जो फ्लक्स क्लोज सरफेस से बाहर निकलती है, उसी का एप्लीकेशन गॉसेस लॉ को समझने में आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है के बाद? तो मैं आपको कहता हूँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल बम्बोला एकेडमी ऑन YouTube, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोडेड ए न्यू लेक्चर फॉर यू, एज सून एज वी अपलोडेड ए न्यू लेक्चर फॉर यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा गॉसेस लॉ से। व्हाट इज गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ, देखो बेटा, हमने आपको क्या बताया था सबसे पहले प्रीवियस का लेक्चर का, मैं थोड़ा सा एंड में जो है वो याद करा देता हूँ आपको। जो फ्लक्स होती है वो किस प्रकार से लिखते हैं? ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स ई डॉट डी एस लिखते हैं हम, है ना? क्लियर है क्या बात? और जो फ्लक्स होती है क्लोज सरफेस के लिए, तो ओपन के लिए होती है, क्लोज सरफेस के लिए जो ये जो तक क्लोज काउंटर होता है या क्लोज्ड लूप, क्लोज सरफेस के लिए जो इंटीग्रेशन होता है वो ई डॉट डी एस को हम एक सर्किल लगा करके बोल देते हैं, इसे सर्कुलेशन भी हम बोल देते हैं। क्लियर है क्या बात? तो ओपन सरफेस से भी किया था हमने, लास्ट में क्लोज सरफेस के लिए भी किया था। तो मैं आपको गॉसेस लॉ की डेफिनेशन बता देता हूँ। गॉसेस लॉ क्या है? गॉसेस लॉ मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, इस तरीके से, और Q3 चार्ज है। मान लिया कि हम कोई एक इमेजिनरी गॉस सरफेस लें, गॉशियन सरफेस लें, इमेजिनरी गॉशियन सरफेस। तो व्हाट इज द गॉसेस लॉ? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जो इस गॉशियन सरफेस से, कैसी सरफेस? गॉशियन सरफेस से, GAUSSIAN, गॉशियन सरफेस से जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, जैसे Q1 Q2 से ना ऐसे फ्लक्स निकल रही होगी, इसमें से जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है ना, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इस डायग्राम में इधर की साइड जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो 1/ε0 इंटू चार्ज इंक्लोज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। तो देखो, सबसे पहले मैं कैसे लिखता हूँ इसे, अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q enclosed डिवाइडेड बाई ε0। ये हमारा नेट फ्लक्स होता है, और नेट फ्लक्स को हमने कैसे लिखा था अभी अभी बताया। ये कैसी सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस है। कैसी सरफेस है? क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस जो फ्लक्स होती है वो E डॉट डी एस के इक्वल होती है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ये कैसा है बेटा? क्लोज्ड सरफेस, ऐसे लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q epsilon naught डिवाइडेड बाय Q enclosed डिवाइडेड बाय ε0। इसे ही हम गॉसेस लॉ बोलते हैं। लिखो एक बार डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ नेट आउटवर्ड फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/ε0 एंड चार्ज इंक्लोज इन दिस गॉसियन सरफेस। क्लियर है क्या बात? इसके अंदर चार्ज इंक्लोज कितना है? Q1 + Q2 + Q3, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो बेटा ये गॉसेस लॉ है, आगे बात समझ में। इस गॉसेस लॉ, दिस इज द गॉसेस लॉ। ओके, सो एक मिनट, स्टार्ट करते हैं अपन गॉसेस लॉ से, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इसे समझना है। मैं आपको अब इसका कुछ एग्जाम्पल दूंगा गॉसेस लॉ को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखना बेटा, मान लेते हैं 1 μC है, ये 2 μC है, ये -1 μC है, ये 3 μC है ना, प्लस नहीं लिखा है तो प्लस ही होता है, माइनस
0.5 माइक्रो कूलम है। ये जैसे बहुत सारे चार्ज हैं, एक ये है, 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 इस तरीके से चार्ज हैं। अब जो गॉशियन सरफेस होगी वो हम ऐसी सरफेस लेंगे, कोई भी इमेजिनरी सरफेस हो सकती है, क्लोज सरफेस, जैसे कि ये एक गॉशियन सरफेस हो गई है ना, और हमारे पास एक ये गॉशियन सरफेस हो गई टू है ना। तो इसके लिए गॉशियन सरफेस वन और टू के लिए, जैसे मैं वन के लिए लिखता हूँ गॉसेस लॉ, अपने को वन के लिए लिखना है, तो क्या लिखना है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितनी होती है बेटा, ई डॉट डी एस, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो पहली गॉशियन सरफेस के लिए, फर्स्ट गॉशियन सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो ई डॉट डी एस हम लिख सकते हैं, है ना। और क्यू इंक्लोज, इसके अंदर, इस वाली सरफेस के अंदर जो इंक्लोज चार्ज है वो कितना है, प्लस टू और प्लस वन, वन माइक्रोकूलम, प्लस टू माइक्रोकूलम और 0.5 माइक्रोकूलम, डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाता है बेटा ये, 2.5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट गॉशियन सरफेस। यदि हम इस सेकेंड गॉशियन सरफेस के लिए लिखें, सेकेंड के लिए लिखें, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स कितनी होगी बेटा, ई डॉट डी एस होगी, इज इक्वल टू इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो थोड़ा सा देख लो कितना है, माइनस वन माइक्रोकूलम, प्लस टू माइक्रोकूलम, प्लस थ्री माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा बेटा ये, 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, क्लियर है के बाद, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ गॉसेस लॉ से रिलेटेड, जिसमें कि कई बार क्वेश्चन भी आता है, है ना। तो क्वेश्चन भी आते हैं, सबसे पहले आप ये पॉइंट लिख लीजिए कि ये जो गॉशियन सरफेस है, ये जो गॉशियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, आप इमेजिन करके इसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस सरफेस को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि वो जो डिस्क्रीट चार्ज है उससे ना हो करके जाए, है ना। तो आप एक पॉइंट बना के लिख लीजिए क्या, कि गॉशियन सरफेस शुड नॉट पास या कैन नॉट पास, ऐसे लिख लो, द गॉशियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू द डिस्क्रीट चार्ज। ऐसा नहीं है कि आपने गॉशियन सरफेस ली और इससे पास होकर के जा रही है, तो ऐसी गॉशियन सरफेस आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। वो चार्ज या तो उसके पूरी तरह से बाहर होगा, जैसे ये चार्ज इसके पूरी तरीके से अंदर है और ये चार्ज इसके बाहर है, या तो चार्ज बाहर होगा या चार्ज अंदर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि गॉशियन सरफेस कैन पासेस थ्रू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो गॉशियन सरफेस उससे होकर के जा सकती है, यही वाला पॉइंट था। अब मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, तभी आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जा करके क्लियर होगा, क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, उससे आपको क्लियर होगा, है ना। अपने पास एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है देखते हैं। हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है, जैसे कि ये है, देखो, है ना, ये वाला एग्जाम्पल है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इन द गिवन फिगर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल ली है, एज्यूम ऑल चार्ज इन द शेडेड रीजन आर इनसाइड द सरफेस। तो देखो किस तरीके से है बेटा, इसमें है 4 माइक्रोकूलम, 2 माइनस 3 2 कूलम, माइनस 3 माइक्रो 3 कूलम और माइनस 5 कूलम, इस तरीके से है, है ना। और ये सरफेस कैसी है, इस तरीके से सरफेस बनाई हुई है, क्लियर है के बाद, दिस इज लाइक दिस। और इसके बाहर कैसे, इसके बाहर कौन कौन सा है, यहाँ पे प्लस 1 माइक्रो कूलम दे दिया है, यहाँ पे माइनस 2 माइक्रो कूलम दे दिया है और यहाँ पे आपका प्लस 4 माइक्रो कूलम दे दिया है। तो आपको क्या निकालनी है, इससे टोटल फ्लक्स निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यदि आप इस गॉशियन सरफेस को कंसीडर करोगे तो डिस्क्रीट चार्ज से पास होकर के तो डेफिनेटली नहीं जाएगी। तो चार्ज इंक्लोज इसके अंदर कितना है, 2 माइनस 3 माइनस 5, तो 2 कूलम माइनस 3 कूलम माइनस 5 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना जाता है बेटा, माइनस 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो आउटवर्ड फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स कितनी है बेटा,
माइनस सिग्मा अपॉन सॉरी माइनस सिक्स सिग्मा नहीं है दिस इज सिक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना वोल्ट मीटर आ जाती है। फ्लक्स का जो यूनिट होती है वो कितनी होती है वोल्ट मीटर होती है। फ्लक्स वोल्ट पर मीटर इस वोल्ट मीटर इनटू मीटर स्क्वायर है। यस वेरी गुड वोल्ट मीटर होती है ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ध्यान से सुनो मेरी बात कि जब भी आप गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो गॉसेस लॉ अप्लाई जब आप करते हैं तो जो उसमें टर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देती है चाहे कोई चार्ज उसके अंदर आ जाए चाहे कोई चार्ज उसके बाहर रह जाए उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है के बाद जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझा देता हूँ तभी आपको क्लियर होगा कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये Q1 है Q2 है और Q3 है। क्लियर है के बाद और ये मान लेते हैं Q4 है तो आपने इस तरीके से एक ये गॉसियन सरफेस ली तो इस गॉसियन सरफेस के लिए जो आप गॉसेस लॉ लिखेंगे नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। फ्लक्स जो होगी वो ई डॉट डीएस होती है क्योंकि क्लोज सरफेस है। इस चार्ज इंक्लोज कितना आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब थ्योरी में क्या बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किन किन चार्जेस के कारण है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू कौन कौन से चार्ज ड्यू टू फर्स्ट ऑप्शन दे देगा वो Q1 एंड Q2। क्लियर है के बाद सेकेंड ऑप्शन दे देगा Q3 एंड Q4। थर्ड ऑप्शन दे देगा बेटा वो आपको कि Q1 Q2 Q3 एंड Q4 और फोर्थ ऑप्शन दे देगा कैन नॉट बी है ना None of these ऐसे करके आपको चार ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है यदि आपने कोई गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर कर ली है इमेजिनरी आप ये भी कर सकते हो आप ऐसे करके भी कर सकते हो है ना। तो ये Q1 Q2 तो इस सरफेस के अंदर है Q3 एंड Q4 दोनों ही इस सरफेस के बाहर हैं। तो आप ये बताओ मेरे को कि यहाँ पर जो किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मान लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 Q2 के कारण ही होगी या Q3 Q4 के कारण होगी या सभी चार्जेस के कारण होगी या नहीं होगी आप पता नहीं कह नहीं सकते। तो क्या आंसर आएगा इसका जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पर वो सभी चार्जेस के द्वारा होती है। ऑल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द ऑल द चार्जेस। कैसे जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो कैसे लिखोगे इस तरीके से लिखोगे ना दिस इज E1 वेक्टर दिस इज E2 वेक्टर दिस इज E3 वेक्टर एंड दिस इज E4 वेक्टर इस तरीके से लिख लोगे आप है ना। जैसे E2 मान लेते हैं इसे E1 मान लेते हैं आई बात सुन ले। तो इस किसी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये सभी के सभी चार्जेस के कारण होती है। तो आंसर कौन सा आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड Q4 होती है। क्लियर है बात। तो इसी कॉन्सेप्ट पर एक हम क्वेश्चन दोबारा से कर देते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये पूछा भी जाता है बार बार। देखो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ E1 E2 E3 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेज प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 रेस्पेक्टिवली देन इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस will be because of net electric field क्या होगी। जैसे मान लेते हैं ये है दो charges हैं एक तो ये plus Q2 है ना plus Q1 ये minus Q2 दे रखा है और ये plus Q3 दे रखा है। इस point पर जो electric field होगी बेटा जो net electric field होगी वो कितनी होगी इसके कारण electric field कितनी है E1 वेक्टर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है मान लेते हैं अट्रैक्टिव है E2 वेक्टर है और इसके कारण रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड है E3 वेक्टर है। तो किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब गॉसियन सरफेस से हमें क्या लेना देना हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है किसी भी गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पर इसकी वजह से E1 है इसकी वजह से E2 वेक्टर है इसकी वजह से E3 वेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन एज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो आंसर क्या आएगा बेटा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर
इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस. कौन सा आंसर आ जाता है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाता है. तो आपको इस तरीके से इसे ध्यान में रखना है. क्लियर है? के बाद तो ये इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, है ना. इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखेंगे. कॉन्सेप्चुअली कई बार पूछा जाता है तो इसलिए इसे बताना बहुत आवश्यक है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको नेट फ्लक्स निकालनी होती है. नेट फ्लक्स निकालनी होती है. एक तो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या था कि आप उसे इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कीजिए, या जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था नेट फ्लक्स आप उसे फाइंड कर सकते हैं. लेकिन कुछ फ्लक्स कुछ सिस्टम में फ्लक्स इस प्रकार से निकाली जाती है जिसमें कि आपको जो गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा. आगे बात समझे तो मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो बेटा, यदि ये प्लस क्यू चार्जेस है और हम इस प्लस क्यू चार्जेस के अक्रॉस, है ना, इसके सेंटर पे रख देते हैं, या सेंटर पे रखें या ऐसे भी रख सकते हैं. ये स्पेरिकल शेल है. कैसी है स्पेरिकल शेल? सेंटर पे भी नहीं है, ये तो सेंटर पे रखा हुआ है. मान लेते हैं सेंटर पर भी नहीं है, तो इसमें गॉसियन सरफेस बेटा ये हो जाएगी. गॉसियन सरफेस इसकी ये वाली है और इसकी गॉसियन सरफेस ये वाली है. तो आपको ये बताना है कि इस गॉसियन सरफेस से या इस गॉसियन सरफेस से पहले और दूसरे केस में फ्लक्स कितनी होगी. क्लियर है? कि अब आप तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ ये क्लोज स्पेरिकल शेल है, तो नेट फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो जो फ्लक्स होगी, है ना, दिस इज द फ्लक्स. जो फ्लक्स होगी जो कि स्केलर क्वांटिटी है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, तो केवल और केवल क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है. तो आउटवर्ड फ्लक्स जो होगी वो किस तरीके से होगी? इस तरीके से आउटवर्ड फ्लक्स होगी. तो इससे निकलने वाली जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो कितनी होगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी. ये तो हो गए, मान लेते फ्लक्स वन. अब हम इस केस में फ्लक्स टू मानते हैं. अब अगर जो गॉसियन सरफेस है तो देखो, फिर से ही गॉसियन लॉ हम यूज करेंगे कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. तो बताओ बेटा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमें फाइ टू मान लेते हैं और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है? केवल और केवल इंक्लोज चार्ज Q ही है और एप्सिलॉन नॉट है. तो ध्यान से देखो, इस वाली गॉसियन सरफेस और इस वाली गॉसियन सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम आती है, है ना. ये बात अलग है कि उसका जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हो जाएगी. इसमें तो सेंटर पे रखा था तो ये सिमेट्रिक थी, लेकिन इसमें थोड़ी सिमेट्रिक नहीं होगी. लेकिन इससे निकलने वाली जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो अभी भी सेम ही रहेगी. और बेटा किसके इक्वल हो जाती है? चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है. यानी कि इससे निकलने वाली फ्लक्स और इससे निकलने वाली फ्लक्स दोनों फ्लक्स ही बराबर हैं और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है. क्लियर है? के बाद इस तरीके से अब ध्यान से देखो, मैं इसमें कुछ सवाल करता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि फ्लक्स आप किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं. एक स्टैंडर्ड क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना. तो आप टाइटल ही लिख लीजिए, स्टैंडर्ड क्यूब क्वेश्चन. स्टैंडर्ड क्यूब क्वेश्चंस, है ना, स्टैंडर्ड क्यूब क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, है ना, फिगर थर्ड में देखिए स्टैंडर्ड फ्लक्स में, कि मान लिया हमारे पास एक क्यूब है बेटा, क्यूब है ऐसे करके, है ना. इस तरीके से एक बढ़िया सा क्यूब बनाया है मैंने, फर्स्ट क्लास का क्यूब है ऐसे करके, है ना, और दिस इज लाइक दिस. तो इसकी जो क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड ए मैं इसे मान लेता हूँ, क्यूब ऑफ साइड ए इसे मान लेता हूँ. यदि आप देखेंगे तो मैं इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दूंगा. तो आपको ये बताना है कि यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन बता देता हूँ, यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस. पहला क्या है? फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्यूब, है ना. और सेकेंड क्या है बेटा? फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम इट्स वन साइड से
कितनी फ्लक्स पास हो रही होगी। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो किस तरीके से हम इसे करेंगे कि यदि आप गॉसियन सरफेस किसी भी प्रकार की ले सकते हैं, उसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं आपको एक जो गॉसियन सरफेस है इसमें क्या ले लेता हूँ, एक क्यूब को ही, क्लोज्ड क्यूब को, जैसे कमरा होता है आपका, जैसे एक कमरा है जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके बीच में, तो चार्ज रख दीजिए और चारों तरफ जो आपकी दीवारें हैं कमरे की उसे क्या मान लो बेटा, गॉसियन सरफेस मान लो। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ पहला आंसर कैसे करेंगे, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर इस फ्लक्स, इस पूरी क्यूब के अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो क्यू है, वो एप्सिलॉन नॉट है। यानी कि एक पूरे के पूरे क्यूब से, जैसे कि शेल से आ रही थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी प्रकार से क्यूब से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही आ रही है और वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। आगे बात समझिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आपको ये बताना है कि एक फेस से कितनी फ्लक्स पास होगी। तो ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है वो इसके बिल्कुल सिमेट्रिक रखा हुआ है। तो मैं यदि आपको बताऊं कि अगर जो मान लिया ये ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, है ना, ऐसे करके निकलेगी। आ गई बात समझ में, ऐसे करके निकलेगी इस फ्लक्स से, इस वाली सरफेस से ऐसे निकलेगी। तो जैसी ये वाली सरफेस है ऐसी ये वाली भी तो सरफेस है, ऐसे करके, ऐसी ये वाली भी तो सरफेस है, ऐसे, है ना, ऐसे करके, दिस इज लाइक दिस, इसी तरीके से। तो आप देखोगे कि जितनी फ्लक्स एक सरफेस से जाएगी उतनी फ्लक्स दूसरी सरफेस से भी जाएगी और उतनी फ्लक्स तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छह फेस होंगी क्यूब की। जैसे आप, सबसे अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, है ना, जैसे अपन इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं किस तरीके से कि जो छह की छह सरफेस होंगी, जैसे कि मान ली ये वाली सरफेस है, है ना, और ये वाली सरफेस है, तो इस सरफेस पे सिमेट्रिकली ये रखा हुआ है ना। देखो मैं डायग्राम किस तरीके से बनाता हूँ, मैं इसे अब साफ कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये वाली सरफेस है, ये है ना, ये क्यूब है और इसके, और इसके इधर भी तो एक सरफेस होगी, होगी ना, होगी कैसे करके, ओ थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, ऐसे करके होगी और ऐसे करके होगी, है ना, और थोड़ा ड्राइंग तो बनानी पड़ती है इसमें, और ऐसे करके होगी। तो ध्यान से देखो को ये जो सरफेस हैं दो, है ना, ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस, चार्ज तो कहाँ रखा हुआ है, इसके बीच में। तो ये सरफेस और ये सरफेस इस चार्ज के सिमेट्रिकली हैं, इसका मतलब जितनी फ्लक्स इससे जाएगी उतनी ही फ्लक्स इधर से भी जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर जो आप ये साइड वाली फ्लक्स, साइड वाली सरफेस ले लेते हो, ये वाली सरफेस, तो जितनी फ्लक्स इससे जाएगी उतनी ही फ्लक्स इसकी साइड वाली से भी जाएगी। इसी तरीके से जितनी फ्लक्स सामने से आएगी उतनी ही फ्लक्स पीछे वाली साइड से भी होकर के जाएगी। इसका मतलब इस वाली फ्लक्स, इस वाली सरफेस से जो फ्लक्स होगी वो फाई डैश मान लेते हैं, इससे भी फाई डैश मान लेते हैं, इससे भी फाई डैश मान लेते हैं, नीचे वाली भी फाई डैश, और जो सामने है उससे भी फाई डैश, और जो पीछे है उससे भी फाई डैश। तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी बेटा, 6 फाई डैश इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज तो क्या है, क्यू है, और इसलिए एक सरफेस से जो फ्लक्स होगी वो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट ही आंसर इसका आ जाएगा। सेम क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से पूछते हैं, सेम क्वेश्चन को वो क्यूब के सेंटर पर नहीं रखते बल्कि क्या कर देते हैं, वो कह देते हैं कि ये एक स्क्वायर है और दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, साइड ए का बेटा स्क्वायर है, ए स्क्वायर है ए, और इससे ए बाई, इसके सेंटर से, ये क्या है, सेंटर है, और इससे ए बाई टू दूरी पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो अब बतानी है फाइंड, है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स फाई पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू सरफेस, सरफेस ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस तरीके से आपको टोटल फ्लक्स निकालनी होती है ना। टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, ए बी सी डी इसे मैं मान लेता हूँ। तो आप देखोगे इसमें और इसमें क्वेश्चन में काफ़ी सिमिलरिटी है कि अगर जो आप देखोगे इसकी साइड ए है, ए है, तो यदि इसके मध्य में रखा हुआ है, बिल्कुल बीच में रखता हुआ है, तो हमने क्या बोला, सारी पाँच की पाँच
ऊपर की सरफेस तो हटा दी केवल और केवल, सरफेस कौन सी रह गई बेटा, नीचे की सरफेस इसमें रह गई। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, इससे जो फ्लक्स हो रही थी पास एक सरफेस से, वो कितनी हो रही थी, फाइव डैश ही तो हो रही थी। तो फाइव डैश की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट ही आई थी। आप क्या करेंगे, अपनी कन्वीनियंट के लिए आप इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो केवल और केवल एक स्क्वायर दे रखा था, ए और ए उसके बीच में इस तरीके से रखा था। आप क्या करोगे कि आप इस क्यूब को कंप्लीट कर दोगे अपनी तरफ से। लो भैया मैंने कर दिया इसे कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा इसे यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से इसे मैंने थोड़ा पूरा कंप्लीट कर दिया। अब देखो, अब ये क्यूब हो गया, क्यूब के सेंटर में है, तो जो छः सरफेस है, छः से फ्लक्स होने वाली कितनी है पास, फाइव डैश, तो एक से कितनी होगी, है ना, छः से फ्लक्स होने वाली पास, छः सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए एक से कितनी होगी, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होती है। तो आप इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से भी सोच सकते हो। क्लियर है क्या बात? सेम क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं आपको एक क्यूब की जगह थोड़ा सा डिफरेंट कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल को मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिख लिया कि स्फेरिकल शेल क्या, एक ऊपर पोर्शन है, ऊपर पोर्शन कैसा है, ऊपर पोर्शन ऐसा है और नीचे पोर्शन कुछ इस प्रकार से है, ऐसे करके है। तो जो चार्ज रखा हुआ है वो इसके दोनों के बीच में रखा हुआ है, तो जैसे काट के बीच में रख दिया, जोड़ देंगे तो स्फेरिकल शेल बन जाएगी, अलग अलग कर देंगे तो किस तरीके से बन जाएगा, चार्ज इसके मध्य में आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखो, अगर जो आप देखोगे कि अगर जो आप इसे गॉसियन सरफेस मान लोगे, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसे क्यू मान लेते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इस पूरी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रही है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल रही है। इसीलिए अब क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में ये नहीं देगा, क्वेश्चन में ये कहेगा कि एक हेमिस्फेरिकल शेल है और उसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इस हेमिस्फेरिकल शेल से पास होने वाली फ्लक्स कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो कि ये इस ऊपर वाली और नीचे वाली सर्फ जो हेमिस्फेरिकल शेल है वो इस चार्ज के लिए सिमेट्रिकली है, तो यानी जितनी फ्लक्स ऊपर से निकल रही होगी, जितनी फ्लक्स ऊपर वाली सरफेस से बाहर निकल रही होगी, उतनी ही फ्लक्स नीचे वाली सरफेस से भी बाहर निकलेगी। यानी यदि ऊपर वाली सरफेस से निकलने वाली फ्लक्स फाइव डैश है, तो नीचे वाली फ्लक्स भी कितनी होगी, फाइव डैश ही होगी। यानी कि टू फाइव डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाइव डैश कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे निकलने वाली, क्वेश्चन तो ये देगा, तो इससे निकलने वाली जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। इसी तरीके से यदि वो आपको हेमिस्फेरिकल शेल ना दे करके इसे भी आधा कर दे, तो आधा किस प्रकार से बनेगा, आधा इस प्रकार से आपका बनेगा, और चार्ज कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से बनेगा, ठीक है ऐसे। तो इस क्वार्टर से जो 1/4 पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सेल से जो फ्लक्स होगी फाइव डबल डैश, वो कितनी होगी, देखो इससे फाइव डैश है तो जितनी इससे जाएगी, मान लेते फाइव डबल डैश, और उतनी ही उससे भी जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, फाइव डबल डैश। यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं हम, टू फाइव डबल डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो फाइव डैश कितना हो गया बेटा, फाइव डैश हो जाएगा क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्वार्टर से जो फ्लक्स निकलेगी यदि चार्ज क्यू उसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो जो फ्लक्स होगी फाइव डबल डैश वो कितनी हो जाएगी, वो q अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, वो कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको स्फेरिकल शेल वगैरह वगैरह नहीं देगा, बल्कि कुछ डिफरेंट दे देगा, है ना। डिफरेंट किस तरीके से दे देगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपको दे देगा कि ये कौन है, है ना, इस तरीके से कौन है, और कौन के सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज सिमेट्रिकली रखा हुआ है। तो आपको बतानी है, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कोन,
दिस कोण, बता दो आंसर कितना आएगा। फिर से क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्या करेंगे हम, क्वेश्चन को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, मान लेते हैं कि इससे जो निकलने वाली फ्लक्स है वो कितनी है, फाइव डैश है। तो आप क्या करोगे, एक कोण तो लिया, दे ही रखा है, अपनी तरफ से एक इमेजिनरी कोण और मान लोगे। कैसे, ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, आप क्या मान लोगे, ये और मान लोगे। तो अब ये जो सरफेस होगी, ये वाली जो सरफेस है, ये क्लोज सरफेस बन जाएगी ऐसे करके, और चार्ज इसके अंदर कितना है, कैपिटल क्यू है। यदि आप इसे गॉसियन सरफेस लेते हो तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो होगी, चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, और चार्ज कितना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान देखो, ध्यान से देखो कि ये जो चार्ज है वो इस कोन के बीच में रखा हुआ है, बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा हुआ है, इस कोन के लिए भी और इस कोन के लिए भी। तो जितनी नेट फ्लक्स इससे जा रही होगी, मान लेते हैं कितनी जा रही होगी, वो फाइव डैश मान लेते हैं, तो उतनी ही नेट फ्लक्स इससे भी जा रही होगी, यानी कि फाइव डैश, यानी कि जो टोटल फ्लक्स है वो कितनी होगी, फाइव डैश प्लस फाइव डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाइव डैश की वैल्यू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाता है। सेम टाइप का क्वेश्चन इस कोन के लिए है और सिलेंडर के लिए भी हो सकता है, कि मान लेते हैं होलो सिलेंडर है, फॉर एग्जाम्पल होलो सिलेंडर है, और इसकी रेडियस सिलेंडर की कितनी है बेटा, सिलेंडर की रेडियस तो है R, है ना, रेडियस कितनी है R, और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q, नहीं आई बात समझ में, इसकी हाइट मान लो, चलो H मान लो, इस लेंथ मान लो H मान लो, तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इस क्यूब से कितनी फ्लक्स पास होगी, तो मान लेते हैं कितनी फ्लक्स पास हो रही है बेटा, phi डैश फ्लक्स इससे इस तरीके से पास हो रही है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी तरफ से क्या करोगे, अपनी तरफ से एक सिलेंडर और मान लोगे और वो इसके ऊपर छत पे रख दोगे, ऊपर सर पे चढ़ा दोगे। तो अब आप ये यदि ये गॉसियन सरफेस ये पूरी कंसीडर करते हैं, ये पूरी गॉसियन सरफेस यदि आप कंसीडर करते हैं, तो इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाली जो फ्लक्स होगी वो चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा गॉसियन लॉ के हिसाब से है। तो जो चार्ज इंक्लोज है इसमें वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि जितनी फ्लक्स इस वाली नीचे वाली सतह से, सरफेस से पास होगी, उतनी ही फ्लक्स ऊपर वाले सिलेंडर से भी पास होगी। तो यदि मैं इसे फाइव डैश मान लूं और इसे फाइव डैश मान लूं, तो टोटल फ्लक्स जो होगी वो फाइव डैश प्लस फाइव डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाइव डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लेना है, क्लियर है क्या बात। तो ये कुछ सिमेट्री के क्वेश्चन हैं। अब हम वापस से क्यूब वाले क्वेश्चंस पर आते हैं, है ना, क्या आते हैं, क्यूब वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्यूब वाले क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं और कई बार भी पूछे जा चुके हैं। तो हमने कौन कौन सा केवल क्वेश्चन पढ़ा है, अभी पढ़ा है हमने क्यूब के केस में, कि यदि क्यूब के सेंटर पे रखा हो तो होल क्यूब से जो पास होती है फ्लक्स वो क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और यदि हम एक सरफेस को कंसीडर कर लें तो उससे जो पास होने वाली फ्लक्स है वो Q अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाती है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो किस तरीके से कि ये है क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट चार्ज Q सिट एट द बैक कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शेडेड साइड ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स टू द बॉटम ऑफ द क्यूब। चलो ये वाला तो नहीं करते, हम इसे इस तरीके से कर लेते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना, वो तो सेम ही क्वेश्चन है ना, इस तरीके का है कि आपको ये बताना है क्यूब, स्टैंडर्ड क्यूब के क्वेश्चन में नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि अब की बार जो चार्ज है वो कहाँ पर रखा हुआ है। चार्ज अब की बार बीच में नहीं रखा हुआ है, बल्कि कहाँ रखा हुआ है बेटा, चार्ज रखा हुआ है अब की बार एक कॉर्नर पर इस प्रकार से रखा हुआ है। तो आपको ये बतानी है फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, एक क्यूब है और साइड ए है ना, दिस क्यूब ऑफ साइड ए, इस तरीके से साइड ए से जो टोटल फ्लक्स है वो पास हो करके कितनी जाएगी आपको बताना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप थोड़ा सा मेरे को, मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से इधर की तरफ एक डायग्राम देखोगे कि ये जो क्यूब है, ये जो चार्ज है वो इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो ध्यान से देखना
कि जैसे ये क्यूब है, अब हमें टोटल चार्ज नहीं, टोटल हमें फ्लक्स निकालने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि एनालिटिकली हम निकाल लेंगे कैसे कि आप इसके बराबर में एक क्यूब और बनाओ। कैसे बनाओ? ऐसे बना दिया, आगे बात समझ में, ऐसे करके ये क्यूब बना दिया, ठीक है। जैसे दो क्यूब ऊपर हैं, ऐसे ही दो क्यूब नीचे भी बना दो, दो क्यूब नीचे भी बना दो, क्लियर है क्या बात? इस तरीके से ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, इट इज़ लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, क्लियर है क्या बात? ध्यान से देखो, तो ये जो चित्र बना है, हमें तो केवल और केवल इस वाले क्यूब से निकालनी थी, लेकिन हमने इसके सिमेट्रिकली एक क्यूब बराबर में बनाया, तो ये दो क्यूब बन गए थे, दो क्यूब के नीचे चार क्यूब हो गए। आगे बात समझ में, हमें तो केवल एक ही क्यूब से निकालनी थी फ्लक्स, अब देखो चार क्यूब तो आगे हैं और चार क्यूब इसके चार क्यूब तो इसके पीछे हैं और जो चार क्यूब होंगे वो इसके सामने भी होंगे, है ना, वो मैं नहीं बना रहा हूँ, है ना, इस तरीके से बनेंगे, बनाने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चित्र गंदा हो जाएगा, इसलिए नहीं बना रहा हूँ। आप इस चित्र में देख सकते हैं जो ये पिंक कलर का है ना चित्र है, तो इसमें जो चार्ज है, चार क्यूब इसके पीछे रहेंगे और चार क्यूब इसके आगे रहेंगे, तो टोटल टोटल जो क्यूब होंगे, टोटल जो क्यूब होंगे वो कितने हो जाएंगे? टोटल क्यूब आठ हो जाएंगे, चार उधर और चार इधर, आई बात समझ में, चार उधर और चार इधर। तो यदि एक क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स कितनी है बेटा? फाइव डैश है, और इससे निकलने वाली भी फ्लक्स फाइव डैश है, और नीचे वाली से भी निकलनी फ्लक्स फाइव डैश है, और इससे भी निकलने वाली फ्लक्स फाइव डैश है, यानी चार फाइव डैश तो फ्लक्स हो गई इन चार क्यूब से निकलने वाली, अब चार ही आगे हैं, उनकी भी फाइव डैश फाइव डैश फाइव डैश फाइव डैश होगी, तो जो टोटल फ्लक्स होगी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, और जो टोटल जो गॉसियन सरफेस बन जाएगी वो पूरी चार क्यूब बन जाएगी, और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज क्यू इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना इंक्लोज होगा? इसके कारण क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी? फाइव डैश फाइव डैश फाइव डैश फाइव डैश, और चार ही आगे, तो फोर फाइव डैश प्लस फोर फाइव डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू फाइव डैश यानी एक क्यूब से जो फ्लक्स पास होगी वो क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो यदि एक क्यूब के कॉर्नर पर, एक क्यूब के कॉर्नर पर यदि कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस क्यूब से पास होने वाली जो फ्लक्स होगी वो क्यू अपॉन ओएट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, तभी आप इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालिटिकली समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक तो क्वेश्चन ये हो गया क्यूब में, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? दूसरे क्वेश्चन में, हाँ दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हाँ इस क्वेश्चन को देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या, कि ए पॉइंट चार्ज क्यू सिट एट द बैक कॉर्नर ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड साइड ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द बॉटम ऑफ द क्यूब। मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से कराता हूँ, मैं आपको वो बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को अपन कराने का तरीका क्या है, कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक क्यूब है, है ना, इस तरीके से एक टीवी आगे बनाया, एक टीवी पीछे बनाया और चारों को जोड़ दिया, तो क्यूब बन जाता है। सबसे आसान तरीका ये है, तो ध्यान से देखो कि अब अगर जो मैं इधर देखो, यहाँ पर चार्ज रख देता हूँ, इसमें तो क्या इधर रखा हुआ है, मैं इधर ना रख करके इधर रख देता हूँ, जब चार्ज इधर रखोगे एक कॉर्नर से, तो एक क्यूब से तो अभी इस टोटल क्यूब से जो फ्लक्स होगी वो होगी क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है, लेकिन इसमें क्या होगी, इसकी सरफेस कितनी है, इसमें सिक्स सरफेसेस होंगी, कितनी सरफेसेस होंगी, सिक्स सरफेस, इसमें से तीन सरफेस जो होंगी वो चार्ज को टच कर रही हैं। कौन कौन सी सरफेस? एक तो ये वाली सरफेस चार्ज को टच कर रही है, एक सामने वाली सरफेस चार्ज को टच कर रही है, और एक बेटा बॉटम वाली सरफेस चार्ज को टच कर रही है, है ना। तो जो तीन सरफेस होंगी वो टचिंग सरफेस कहलाती हैं। कैसी सरफेस कहलाती हैं? टचिंग सरफेस कहलाती हैं, क्लियर है क्या बात? तो अगर जो तीन ये टचिंग सरफेस हैं, तो नॉन टचिंग सरफेस कौन सी होगी? एक तो ऊपर वाली नॉन टचिंग होगी, दूसरा इधर की जो साइड है, इधर की जो साइड है ये वाली नॉन टचिंग होगी, और जो सबसे बैक में जो छुपी हुई है वो भी नॉन टचिंग सरफेस होगी। तो छह सरफेस में तीन सरफेस टचिंग होती हैं, और तीन सरफेस कैसी होती हैं बेटा? नॉन टचिंग होती हैं, नॉन टचिंग तीन सरफेस होती हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए, है ना, डायग्राम की हेल्प से,
क्लियर है क्या बात बच्चों? तो अब देखो, ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द टचिंग सरफेस एंड नॉन टचिंग सरफेस। मैं इसे अब दोबारा से बनाता हूँ, देखो ध्यान से किस प्रकार से टचिंग और नॉन टचिंग का कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करोगे कि ये है, ये चार्ज रखा हुआ है। तो जब आप यहाँ देखोगे तो इसमें जो इस वाली जो टचिंग सरफेस है जैसे ही है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो किस तरीके से जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड टचिंग वाली सरफेस में उसी के प्लेन में होगी, इस तरीके से होगी, होगी ना होगी बोलो। इसी तरीके से अगर जो इस सामने वाली सरफेस को देखोगे, सामने वाली सरफेस को, तो सामने वाली सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के प्लेन में होगी। क्लियर है? के बाद ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बेटा? उसी के प्लेन में होगी, ये करके। नहीं आई बात समझ में? तो जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स पास होगी इससे, वो कितनी फ्लक्स पास होगी बेटा, है ना? जो फ्लक्स पास होगी वो कितनी होगी? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सरफेस के प्लेन में है। तो जो टचिंग वाली सरफेस होगी, इन तीन टचिंग वाली सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी वो कितनी होगी? जीरो हो जाएगी, है ना? तो टचिंग वाली सरफेस से जो फ्लक्स पास होगी वो कितनी होगी? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हीं सरफेसेस के अंदर टेंजेंशियली स्पर्श करती हुई जा रही हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो एक तो पॉइंट ये बन जाता है। दूसरा है जो नॉन टचिंग सरफेस है उसे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो मैं आपको इसके लिए फिर से एक एग्जांपल बना करके दिखाता हूँ, तभी आपको कुछ ना कुछ तो बात क्लियर होगी, है ना? हाँ, देखो जैसे आप ये पिंक वाला डायग्राम देख रहे हैं, है ना? इस पिंक वाले डायग्राम में मान लेते हैं थोड़ा सा हम चार्ज को इस कोने पर ना बैठा करके इस कोने पर बैठा देते हैं, ठीक है? इस कोने पर ना बैठा के हम क्या कर देते हैं? इस वाले कोने पर बैठा देते हैं यहाँ पर। तो तीन सरफेस तो टचिंग है, तीन सरफेस कौन सी टचिंग है? सामने वाली जो इस चार से टच है, एक तो ये इधर वाली, एक इधर वाली, एक बोर्ड वाली। टच कौन सी नहीं है? एक तो ऊपर वाली टच नहीं है, एक ये वाली टच नहीं है, और एक इसके जो पीछे है बैकवर्ड वो टच नहीं है। तो आप क्या करोगे? इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होगी उसे निकालोगे। कैसे निकालोगे? कि इस क्यूब से जो टोटल पास हो रही थी फ्लक्स, वो देखो फ्लक्स इस क्यूब से जो एक क्यूब से निकाली थी हमने, फ्लक्स जो पास हो रही थी वो फाइव डैश की कितनी थी? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स थी। क्लियर है बात? अब दूसरी, यदि आप इस क्यूब को देखोगे तो इस वाली जो तीन टचिंग सरफेस हैं, तीन जो TUCH तीन टचिंग सरफेसेस हैं, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो कितनी हो रही है पास? जीरो हो रही है। केवल और केवल इससे पास नहीं हो रही है, है ना? जो इनसे पास होगी तो ये वाली जो सरफेस है और ये वाली सरफेस है और इसके पीछे वाली सरफेस है, वो क्या होगी? सिमेट्रिकल होगी। कैसे? जितनी फ्लक्स इससे पास होगी, जितनी फ्लक्स इस वाली सरफेस से पास होगी, उतनी ही फ्लक्स उस वाली ऊपर वाली सरफेस से भी पास होगी। तो इसे मैं मान लेता हूँ फाइव डबल डैश और फाइव डबल डैश, और जो इसके बैक वाली सरफेस है वो भी सिमेट्रिकली है और उससे भी कितनी फ्लक्स होगी? फाइव डबल डैश। तो टोटल फ्लक्स थी, टोटल थी क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे? 3 फाइव डबल डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। तो फाइव डबल डैश कितना होगा? क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। एक तो छोटा सा तरीका ये है, आप इसे याद भी रख सकते हो और समझ भी सकते हो जो मैंने समझाने की कोशिश की है। थोड़ा इसमें डायग्राम बनाना अच्छा है, जैसे कि आप इस पिंक वाले दूसरे तरीके से क्या है? इस आप पिंक वाली सरफेस को देखो तो ध्यान से देखो कि इसमें क्या है, चार क्यूब तो पीछे रखे हुए हैं। चार क्यूब कैसे रखे हुए हैं बेटा? पीछे रखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा बना ही दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? इस तरीके से चार क्यूब आपके पीछे रखे हुए हैं। आगे बात समझ में? इस तरीके से कहाँ से बनाएं? ये बनाएं, ये बनाएं, और ये बनाएं, ये बनाएं, और ये बनाएं, है ना? चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है मान लेते कॉर्नर पर। तो देखो ध्यान से कितनी सरफेस है बेटा, ये वाली जो, ये जो टचिंग सरफेस है, ये तो जो इससे टच में है उसे नहीं, नॉन टचिंग, एक ये रही, एक ये रही, है ना? ये नॉन टचिंग है, एक ऊपर सरफेस नॉन टचिंग है, एक ये वाली सरफेस नॉन टचिंग है, दो इधर, दो इधर। अब इधर देखोगे तो दो इधर भी नॉन टचिंग है,
क्लियर है क्या बात? दो नीचे भी नॉन टचिंग है, नहीं आई बात समझ में? तो दो दो तो ये रही हो गई, दो ये हो गई, दो ये हो गई और दो ही ये हो गई। और बेटा पीछे जो चार है वो भी तो नॉन टचिंग है, तो वो पीछे वाली सरफेस कितनी है? चार, नहीं आई बात समझ में? तो कितनी? दो और दो और दो, चार और आठ और चार, बारह नॉन टचिंग सरफेस हो गई इसमें। क्लियर है क्या बात? अब चार यदि क्यूब आगे हैं पीछे हैं तो चार क्यूब पीछे भी होंगे और उसमें भी कितनी होंगी? 12 नॉन टचिंग सरफेस होंगी। क्लियर है क्या बात? तो टोटल कितनी हो गई? 24 नॉन टचिंग सरफेस हो जाती हैं। आगे बात समझ में? 24 नॉन टचिंग सरफेस हो जाती हैं। और यदि आप देखोगे कि जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि क्यूब टोटल जो फ्लक्स होगी वो चार्ज इंक्लोड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। और टोटल फ्लक्स कितनी होगी? एक से फाई डैश फाई डैश फाई डैश मान लें तो टोटल हो गई 24। तो 24 फाई डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई डैश जो होती है वो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप थोड़ा इसे विजुलाइज करने की कोशिश करना। थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाना या समझाना बोर्ड पे इस तरीके से थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। यदि आप एक कमरे का एग्जांपल लेंगे और वास्तव में क्यूब को देख करके आप समझने की कोशिश करेंगे या इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्यूब वाले क्वेश्चन थे, क्यूब वाले क्वेश्चन में इतना ही है ना, टचिंग नॉन टचिंग सरफेस में आ जाता है, ज़्यादा ज़्यादा इतना हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया है। क्लियर है के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आता है नेक्स्ट जो टाइटल आता है वो आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ GAU गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ कहां पर एप्लीकेशन है? इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में होता है। कहां पर होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसकी सहायता से, गॉसेस लॉ की हेल्प से, आप इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार डिस्ट्रीब्यूशन में ही निकाल सकते हो जिसमें कि चार डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सिमेट्रिकली हो, थोड़ा क्या, सारा ही सिमेट्रिकली हो। तो सिमेट्रिकली चार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि चार डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है तो आप गॉसेस लॉ वैलिड नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी प्रकार का हो, है ना, द गॉसेस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। लिख लो, गॉसेस लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, बट वी कैन फाइंड ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि जब आप एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ करोगे डिफरेंट टाइप के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो आप लिखोगे नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो चार्ज इंक्लोज्ड होता है गॉसियन सरफेस में वो तो आप आसानी से निकाल लोगे, लेकिन जब बात आती है टोटल फ्लक्स की, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस की, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यदि ये सिमेट्रिक नहीं है तो आप इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने में असमर्थ होते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो यदि सिमेट्रिक नहीं है तो ये वैलिड नहीं है, ये हमेशा ही वैलिड होगा चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो। ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है, आपकी प्रॉब्लम है कि आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व तब कर पाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होता है। कैसे कर पाएंगे हम एग्जांपल के द्वारा आपको बताते हैं। ठीक है, ये बात है, तो इस पॉइंट को आप लिख लो। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है इसका बेटा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैं आपको बता देता हूं इसमें किस तरीके से करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
पॉइंट चार्ज में कैसे करेंगे, वैसे तो हमें पता है कि ये चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ पॉइंट लिख लो इसमें जो आपको हेल्पफुल होंगे कि है ना आपको इसे किस प्रकार से फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे इस साइड में थोड़ा सा स्टेप लिख देता हूँ, है ना, स्टेप टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द गॉसियन लॉ। सबसे पहले आप क्या करोगे, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे और गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे कैसी होनी चाहिए गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिक होनी चाहिए, ये कंडीशन है, सिमेट्रिक होनी चाहिए। स्टेप टू है, आप स्टेप टू में क्या करोगे बेटा, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज्ड फाइंड करोगे। स्टेप थ्री कौन सा है बेटा, इस क्लोज्ड सरफेस यानी जो ग्लोस गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स फाइंड करोगे। क्लियर है क्या बात, नेट फ्लक्स फाइंड करोगे। स्टेप फोर कौन सा है बेटा, ध्यान से सुनो, अब यदि आपको नेट फ्लक्स फाइंड हो जाएगी, चार्ज इंक्लोज आ जाएगा, तो आप गॉसियन लॉ लगा दोगे, गॉसियन लॉ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आप इन चार स्टेप की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो बिकॉज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जैसे कि इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जैसे कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, मैं इसे साफ कर देता हूँ, इस पॉइंट पर निकालनी है आर डिस्टेंस पे, तो आपको एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी और वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो मेरे को पता है, आपको भी पता है, थोड़ा सा आइडिया तो है कि जो गॉसियन सरफेस होगी वो क्या होगी, स्फेरिकल शेल होगी, है ना, कैसी होगी बेटा, स्फेरिकल शेल में इस तरीके से होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस गॉसियन सरफेस पर सिमेट्रिक होगी, जबी तो हमने इस प्रकार की गॉसियन सरफेस ली है। क्या मैं इसमें क्यूब ले लेता, नहीं, है ना, क्यूब से भी हो जाता वैसे तो, लेकिन क्या इससे हो जाएगा, नहीं, इस तरीके से लेंगे। तो अब हमने गॉसियन सरफेस, पहला स्टेप क्या हमारा, गॉसियन सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना, उसके बाद है इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है उसे फाइंड करना। तो चार्ज इसके अंदर कितना आ रहा है बेटा, प्लस क्यू। तीसरा जो स्टेप है हमारा, है ना, तीसरा स्टेप है नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितनी होगी, ई डॉट डी एस ही होगी। और हम क्या कर देंगे चौथे स्टेप में, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। अब ध्यान से देखो कि जब आपने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट की है, तो ये जो डी एस वैक्टर है ना, डी एस वैक्टर भी इधर की ओर ही होगा स्मॉल, और E वेक्टर भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों के बीच में, है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, DS वेक्टर भी इधर होगा और E वेक्टर भी इधर ही होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट है, देखो जीरो आ जाएगा, D cos जीरो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैं इधर लिख देता हूँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना आएगा, डी एस तो छोटा सा एरिया था, अब यदि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, डी एस का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे एरिया का इंटीग्रेशन करोगे, तो पूरे स्फेरिकल शेल का एरिया आ जाता है, कितना जाएगा, ई इज इक्वल टू 4π, टोटल एरिया कितना होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। क्लियर है के बाद, तो इस तरीके से आप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फाइंड किया है कैसे, जिसमें हमने डिफाइन किया था पहले कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसमें हमने गॉसियन लॉ की हेल्प से फाइंड कर दिया, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसका लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। कहने का मतलब क्या है कि ये लाइन चार्ज है, यहाँ पर प्लस 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 इस तरीके से सारा चार्ज है, ऐसे करके नीचे की ओर है ना, ऐसे करके,
और आपको r डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आगे बात समझ में, यदि आपको यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई लाइन चार्ज है और इसका लैम्डा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे आप निकालोगे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, तभी आपको क्लियर होगा, है ना। काफ़ी टाइम हो गया है। इसमें जो गॉसियन सरफेस लेंगे, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, और वो जो गॉसियन सरफेस आएगी बेटा वो कैसी आएगी, वो गॉसियन सरफेस आपकी सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, और सिलेंडर कैसा होगा, वर्टिकल सिलेंडर गॉसियन सरफेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिमेट्रिक होगी, इनफाइनाइट है ना, केवल और केवल इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस डायरेक्शन में भी होगा। क्लियर है के बाद? तो देखो, इस क्लोज्ड सरफेस का, ये जो क्लोज सरफेस है इसकी लेंथ कितनी मान लें हम, एल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जो ये जो गॉसियन सरफेस है क्लोज, जो कि सिमेट्रिक है, इसके अंदर चार्ज इंक्लोज्ड कितना आएगा, चार्ज इंक्लोज्ड जो होता है वो बताया था लैम्डा कूलम पर मीटर, का मतलब है कि एक मीटर में लैम्डा कूलम आवेश होता है, लैम्डा कूलम चार्ज होता है, इसलिए एल मीटर में जो चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू एल होगा, तो क्यू इंक्लोज्ड की वैल्यू लैम्डा इंटू एल हो जाती है। ये तो बहुत ही सही है ना, वही सही तरीका है पढ़ने का। दूसरा, अब हमें निकालनी है इसमें से नेट फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स होगी, नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो होगी वो कैसे होगी। देखो, एक तो इसकी ये वाली सरफेस है S1 और इसकी ये सरफेस है S2, और दूसरी सरफेस कौन सी है बेटा, ये लेटरल सरफेस है। आगे बात समझ में, यदि आप इसमें देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, इसके प्लेन में होगी इस तरीके से। आई बात समझ में? तो इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस से फाई वन और फाई टू, और इससे कितनी मान लें हम, फाई थ्री मान लें, फाई टू मान लें, इससे हम फाई वन मान लें। फाई वन और फाई टू में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, एरिया कैसे है बेटा, एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और दोनों के बीच में एरिया वेक्टर कितना है, नीचे की ओर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो S1 और S2 से जो फ्लक्स होती है वो निकलने वाली फ्लक्स कितनी होगी, है जीरो होगी। केवल और केवल फ्लक्स किससे पास होगी बेटा, इससे पास होगी, है ना, फ्लक्स होगी इससे पास, और जो फ्लक्स होगी वो कितनी हो जाएगी, E इंटू एरिया, E इंटू एरिया हो जाएगी, क्योंकि जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एरिया वेक्टर किधर है इसका, एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो जो नेट फ्लक्स होगी वो E डॉट डी एस, यदि आप निकालोगे तो फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री में ये तो जीरो हो जाता है और बचती है केवल फाई थ्री, और बेटा फाई थ्री की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, E इंटू एरिया, किसका एरिया, इस लेटरल सरफेस का एरिया। लेटरल सरफेस का एरिया का मतलब है इस वाली सरफेस का एरिया, ये जो सरफेस है ये वाली, है ना, ऐसे वाली जो सरफेस है, ये ऐसी वाली जो सरफेस है इसका एरिया। तो इसकी लेंथ कितनी है, L, और ये वाला लेंथ और सर्कमफेरेंस कितनी है इसकी, 2 पाई r, है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस r है, तो L, ये 2 पाई r इंटू L, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई r इंटू L, तो जो फ्लक्स नेट है वो कितनी हो जाएगी, E इंटू 2 पाई r इंटू L हो जाएगी। अब हम गॉसेस लॉ लगा देंगे, अब हमने नेट आउटवर्ड फ्लक्स ज्ञात कर ली और हमने चार्ज इंक्लोज भी निकाल लिया, तो हम गॉसेस लॉ लगा देंगे, E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इंक्लोज कितना था, लैम्डा इंटू एल था, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स कितनी है वो है E इंटू 2 पाई r इंटू L, तो L से L कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है 1 अपॉन 2 पाई r लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसे 2k लैम्डा अपॉन r भी लिख सकते हैं। ये तो यही होती थी इनफाइनाइट की वजह से, 2k लैम्डा अपॉन r इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यही तो हमने पढ़ा भी था, पहले भी हमने इसमें निकाला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, किसी डिस्टेंस पर 2k लैम्डा अपॉन r होगी। थोड़ा सा मैं इसके ग्राफ के बारे में भी बता देता हूँ, 2k लैम्डा r, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एज ए फंक्शन ऑफ r है, यदि आप इसे r जीरो रख दोगे
यानी कि r बराबर जीरो पर, यानी कि यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि 1/0 बन जाएगा ना। और r इज इक्वल टू यदि इन्फिनिटी रख दोगे तो e इन्फिनिटी पर 1/∞ कितना होता है, जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। और जो वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस r का ग्राफ जो वेरी करेगा, वो कैसे वेरी करेगा, वो इस तरीके से वेरी करेगा। r इज इक्वल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/0 रख दो ना यहाँ पे, तो इन्फिनिटी हो जाती है, 1/0 कितनी, इन्फिनिटी, और 1/∞ जीरो। तो r इज इक्वल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे लगभग ये कितनी हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से इनको फाइंड कर सकते हो, ये बात है। तो गॉसेस लॉ की हेल्प से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि एक हमारे पास क्या है, एक ठोस बेलन है ना, सॉलिड सिलेंडर है। क्या है बेटा, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर भी होता है, पहले होलो सिलेंडर कर देते हैं, पूरा ही करते हैं, होलो सिलेंडर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो ध्यान से देखो, होलो सिलेंडर किस प्रकार से बनेगा बेटा, होलो सिलेंडर जो बनेगा मैं बना देता हूँ किस प्रकार से, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है। और जो चार्ज है वो उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आ गई बात समझ में, इस तरीके से यूनिफॉर्मली सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है क्या बात, इस तरीके से लाइक दिस, है ना। और जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है बेटा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर में जो चार्ज है वो सिग्मा कूलम है। मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर है, तो इसमें सरफेस पर है तो इसमें दो पॉइंट बनेंगे। मैं आपको यहाँ ग्राफ भी बना करके दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का दो पॉइंट होंगे। एक पॉइंट कहाँ पर होगा बेटा, आउटसाइड। तो पहले हम आउटसाइड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब यदि आप इसे आउटसाइड लोगे, ये क्या पॉइंट है बेटा, आउटसाइड। जब आप आउटसाइड पॉइंट लोगे तो जो आपकी गॉसियन सरफेस है वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल ही होगी। ऐसे करके सिलेंड्रिकल ही गॉसियन सरफेस आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और उसकी सेंटर से दूरी, इस एक्सिस से, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से दूरी, डिस्टेंस जो है वो आर है। आगे बात समझ में। अब देखो ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड। यदि आउटसाइड है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख देता हूँ पूरी, इसे तो हटा देता हूँ, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ से आउटसाइड के लिए, है ना, आउटसाइड के लिए यदि आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ये वाली गॉसियन सरफेस हो गई। तो फिर से इसमें जो एक सरफेस तो ये बनेगी, एक सरफेस नीचे वाली बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे सिमेट्रिकली होगी और अवे फ्रॉम दिस सरफेस होगी। आगे बात समझ में, इस तरीके से होगी। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये S1 और ये S2 है ना, और इसे लेटरल सरफेस को क्या मान लेते हैं हम, S3 मान लेते हैं। इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा, इसमें भी एरिया वेक्टर वो नीचे की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस तरीके से होगी। दोनों के बीच में कितना एंगल आता है, 90 डिग्री। तो इससे गुजरने वाली, इस वाली सरफेस से गुजरने वाली जो फ्लक्स है वो φ1 है जो कि जीरो होगी, और इस वाली सरफेस से गुजरने वाली जो फ्लक्स है वो φ2 है, वो भी जीरो होगी। तो फ्लक्स किससे गुजरेगी बेटा, इससे गुजरेगी। दूसरी बात, अब मैं इसकी लेंथ जो मानता हूँ वो सिलेंडर की एल मानता हूँ, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है वो ये वाला चार्ज इंक्लोज है, यानी कि इसके अंदर ये जो चार्ज है ये कितना होगा, ये कितना होगा, इसकी सिग्मा है ना, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम है चार्ज। तो इसलिए इसका एरिया जो होगा, किसका एरिया, इस बड़े वाले सर्किल का एरिया नहीं, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो इसका जो ये लेटरल एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया बता सकते हो कितना होगा, तो लेंथ कितनी है इसकी, एल। जो एरिया होगा इसका वो होगा, एरिया जो होगा, लेंथ है एल, और सर्कमफेरेंस कितनी है, 2π, कौन सा आर, 2πr, कौन सा आर, कैपिटल आर। ये बात है। तो इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा,
चार्ज इंक्लोज्ड होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे 2πr। आगे बात समझ में, ये तो इंक्लोज हो गया। अब जो फ्लक्स होगी वो फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री, तीन सरफेस हैं, टोटल जो फ्लक्स होगी वो फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री होगी। मैंने अभी बताया फाइव वन और फाइव टू तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बचेगी केवल कौन सी, फाइव थ्री। फाइव थ्री का मतलब है कि ये जो लेटरल सरफेस है इससे गुजरने वाली फ्लक्स है ना। तो ध्यान से देखो, इससे गुजरने वाली फ्लक्स कितनी होगी, ये जो सरफेस एरिया है ये कितना होगा, ये वाला सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है ना इसमें से ऐसे करके, तो लेंथ तो इसकी एल है और ये जो सर्कमफेरेंस है ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर, तो 2πr इंटू एल। इसलिए जो फ्लक्स फाइव थ्री होगी इसमें वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहाँ पर हर एक पॉइंट पर सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कितनी लिख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूँ आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, और इंटू एरिया कितना है 2πr इंटू एल। तो ये जो है टोटल आउटवर्ड फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या लगा देंगे बच्चों, अब हम लगा देंगे गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या होता है, गॉसेस लॉ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चार्ज इंक्लोज निकाला हमने कितना, सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स टोटल कितनी है बेटा, ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टू पाई एल, टू पाई एल कट जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ आर स्मॉल आर आ जाती है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप इसमें आर इज इक्वल टू नहीं, आर इज इक्वल टू जीरो तो रख ही नहीं सकते क्योंकि आउटसाइड है, आउटसाइड का मतलब है आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कैपिटल आर से स्टार्ट होती है, और आर कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम क्या रखेंगे, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि उसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रख देंगे, ई आर इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर से आर कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और यदि हम आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ई इन्फिनिटी पर कितना हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी हो गया ना, इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यदि आप ग्राफ बनाते हो, थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से बना देता हूँ, ये हमारी सरफेस थी और ये हद तक है, तो R इज इक्वल टू कैपिटल R पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आई है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई है, और R इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। और यहाँ से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है E इज इक्वल टू सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R अपॉन R, तो E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी हाइपरबॉलिकली वो डिक्रीज हो रही है ना, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। दूसरी बात, अब इनसाइड की हम बात करते हैं, ये तो आउटसाइड हो गया, यदि आप इनसाइड की बात करोगे तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी, मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर सारे में प्लस प्लस चार्ज है ना, कहाँ पर है बेटा, सरफेस पर चार्ज है, लेकिन यदि आप इनसाइड कोई पॉइंट लोगे तो यदि इसमें एक एक गॉसियन सरफेस लोगे तो इसके अंदर जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो अंदर की साइड है, क्योंकि सारे सिलेंडर पर कहाँ है, सरफेस पर चार्ज है, अंदर थोड़ी ना चार्ज है, तो यदि आप कोई गॉसियन सरफेस कहाँ लोगे, इसके अंदर सेलेक्ट करते हो, तो जो चार्ज एल लेंथ का मान लेते हैं किया, तो जो चार्ज इंक्लोज है वो जीरो आएगा। तो ई डॉट डी एस से है ना, ई डॉट डी एस से इजिकल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है, जीरो आ जाती है। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आर इजिकल टू जीरो से कैपिटल आर तक वो जीरो होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस स्पेरिकल सॉरी होलो सिलेंडर जिसपे सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर चार्ज दिया हुआ है, इन साइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ऐसा तो होना ही था, क्यों होना था, क्योंकि नो चार्ज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब ये तो होलो सिलेंडर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी थी, अब आता है सॉलिड सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसे अपन करेंगे उसे भी थोड़ा आप देख लो। जब सॉलिड सिलेंडर दिया होगा तो सॉलिड सिलेंडर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपको सॉलिड सिलेंडर में सॉलिड
सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में क्या देगा आपको, उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देगा। सॉलिड सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब देगा, और उसकी वजह से निकालनी होगी आपको। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक मीटर क्यूब में जो चार्ज है वो रो कूलम है। कैसे होगा, जो चार्ज है वो, पहली बात तो हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, फिर से मैं भूल गया, इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, तो जो जो चार्ज होगा वो कैसा होगा बेटा, वो ठूस ठूस के भरा होगा इसके अंदर वॉल्यूम में, है ना, वॉल्यूम में ठूस ठूस के भरा होगा। ठूस ठूस के मतलब वॉल्यूम के हर एक पार्ट पर चार्ज होगा, यानी कि यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह, सरफेस पे नहीं, इसके अंदर भी चार्ज होगा। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन होगा तो उसी प्रकार से जैसे हमने अभी अभी पहले किया था, ठीक है। तो इसमें भी दो पॉइंट बनेंगे, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का इसमें ग्राफ बनाऊंगा, है ना, और ये जो इसकी रेडियस है इसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आउटसाइड के लिए, यदि आप एक आउटसाइड पॉइंट लेते हो यहाँ पर, तो आपको एक गॉसियन सरफेस, इसमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपको इसमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और इसकी डिस्टेंस रेडियस कितनी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। फिर आपको चार्ज इंक्लोज्ड इसमें फाइंड करना पड़ेगा, तो जो क्यू इंक्लोज्ड है वो रो इनटू, इसके अंदर जो चार्ज है वो इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, लेंथ इसकी मान लें कितनी एल, इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, वॉल्यूम रेडियस, वॉल्यूम होगा एल इंटू एरिया। एल कितना है, लेंथ कितनी है एल, और एरिया कितना है इसकी, रेडियस कितनी है ये कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर। तो चार्जिंग क्लोज तो हो गया, कौन सी, गॉसियन सरफेस ये है, है ना। अब देखो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। तीन सरफेस होंगी, कौन कौन सी सरफेस होंगी, एक तो ये S1 होगी, एक ये S2 होगी, फिर से phi1 जीरो हो जाएगी, S2 phi2 भी जीरो हो जाएगी, और इससे अगर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E मानते हो, तो जो नेट फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स होगी वो E into इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया जो होगा 2 pi r, कितना ये डिस्टेंस कितनी मानी थी हमने, 2 pi r into L, ये डिस्टेंस कितनी है L है, क्लियर है क्या बात। तो E into 2 pi r into L, गॉसेस लॉ क्या होता है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, आउटवर्ड फ्लक्स है E into 2 pi r into L, चार्ज इंक्लोज आया आपका रो L pi r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो पाई से पाई कट जाएगा और L से L कट जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इसमें वो E इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आ जाती है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये R का फंक्शन है, और ये कितना है बेटा, टू ई आर जो दे रखा है वो रो आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर दे रखा है। तो आर इज इक्वल टू जीरो पर, आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो तो रख ही नहीं सकते, पहले तो आप ये बता दो कि आर आउटसाइड हम फाइंड कर रहे हैं, आउटसाइड फाइंड कर रहे हैं यानी सिलेंडर के आउटसाइड। तो ये जो आर है, ये जो आर है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आर की वैल्यू जो है वो आर से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाएगी, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो ई आर यहाँ पे क्या रखोगे, रो आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर से आर कट जाएगा, तो ई आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगी। तो यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। अब आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे, वन अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, ई इन्फिनिटी यानी वन अपॉन इन्फिनिटी यानी जीरो, यानी आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। और ध्यान से देखो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वन अपॉन आर के इन्वर्सली, वन अपॉन आर के प्रपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपरबोलिकली वेरी करती है, ठीक है। ये तो बहुत टफ है, थोड़ा सा टफ तो है ही, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। इसके इनसाइड में यदि हम बात करें, है ना, कहाँ पर बेटा, इनसाइड की यदि हम बात करें, तो इनसाइड में निकालने के लिए आप कैसा करोगे, इनसाइड में निकालने के लिए जो आवेश है, जो चार्ज है वो इसमें ठूस ठूस के भरा है। अब हम अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं, और अंदर पॉइंट लेंगे तब भी हमें जो गॉसियन सरफेस है वो कैसी लेनी पड़ेगी, सिलेंड्रिकल ही लेनी पड़ेगी। फिर से उसमें S1 सरफेस होगी और S2 सरफेस होगी,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी अवे फ्रॉम द सिलेंडर सरफेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगी। ये तो एरिया है, मैंने जैसे बताया था ये 90 डिग्री है, और ये वाला एरिया जो होगा इसका, इसमें भी 90 डिग्री एंगल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होगी। तो इस सरफेस से, इस वाली सरफेस से जो फाइव वन है वो जीरो, इस वाली सरफेस से फाइव टू जीरो नहीं, बचती है किससे, इसकी लेंथ L1 मान लें, तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है लेटरल सरफेस जो है, इससे निकलने वाली जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी, E इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू टू पाई आर इंटू एल होगी। दूसरी बात, इसके अंदर जो चार्ज होगा, ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो चार्ज, इस वाली अंदर के चार्ज, जो चार्ज होगा हम उसे कैसे निकालेंगे, हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, तो जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा वो रो इंटू इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, एल, एल इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, कौन सा आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर, देखो ये तो कैपिटल आर है और ये है आपका स्मॉल आर। तो हमें तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है जो हमने गॉसियन सरफेस छोटा वाला माना है, और उसकी रेडियस कितनी मानी थी, उसकी रेडियस मानी थी हमने स्मॉल आर, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से कर देंगे, गॉस लॉ लगा देंगे, गॉस लॉ नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज कितना है, रो एल पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू टोटल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पाई आर एल इज इक्वल टू रो पाई, रो एल पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पाई एल कट जाएगा, तो जो, और आर से भी आर कट जाएगा, तो रो आर इधर बचेगा, रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और तो नहीं बचेगा कुछ, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर आ जाती है, रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर। इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आर की वैल्यू अब इनसाइड है, तो आर की वैल्यू जो होगी वो R बराबर जीरो से स्टार्ट होगी और R इज इक्वल टू कैपिटल R तक जाएगी। इनसाइड यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जा सकती है, तो R इज इक्वल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो, और R इज इक्वल टू कैपिटल R पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी रो R अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, वही हो जाएगी जो कि पहले भी निकाली थी। यानी सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगी, लेकिन वो R इज इक्वल टू जीरो पर जीरो और R इज इक्वल टू कैपिटल आर पर सेम आया जो हमने यहाँ निकाला था। तो ये कैसे कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है, और इस लीनियरली वेरी, और उसके बाद आउटसाइड हाइपरबोलिकली, हाइपरबोलिकली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर है क्या बात। तो इस लेक्चर में इतना ही हम करते हैं, इसमें अभी एक स्पेरिकल शेल की वजह से और स्पेरिकल शीट की वजह से कुछ क्वेश्चन और रह जाते हैं जो कि हमें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकालना सीखा विद द हेल्प ऑफ द गॉसियन लॉ से। गॉसियन लॉ के भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।